नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 14 जुलाई 2023 का दिन ऐतिहासिक होगा। उस दिन अंतरिक्ष में भारत अपना दमखम दिखाते हुए कामयाबी की एक और नई इबारत लिखेगा। दोपहर 2:35 का वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को अपने सिर पर रखकर LVM 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड की तरफ बढ़ चुका है। अब सिर्फ उसे लॉन्च पैड पर जाकर सेट होना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रॉकेट को जहां जोड़ा जाता है वहां से वो लॉन्च पैड तक आखिर पहुंचता कैसे है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें दूसरा लॉन्च पैड दाहिनी तरफ है जबकि बाईं तरफ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग है। इसके बीच में मोबाइल लॉन्च पेडस्टल पर LVM 3 रॉकेट खड़ा हुआ है जिसके ऊपर मौजूद है चंद्रयान 3। दूसरे लॉन्च पैड की शुरुआत साल 2005 में हुई थी क्योंकि इसरो के पास ज्यादा लॉन्चिंग की डिमांड आ गई थी। दुनिया भर के देश और निजी कंपनियां इसरो से लॉन्चिंग कराना चाहती थी क्योंकि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो सबसे किफायती और भरोसेमंद स्पेस एजेंसी है। इसके बाद फिर इसरो ने झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद मेकॉन लिमिटेड को दूसरे लॉन्च पैड के इंटीग्रेशन, ट्रांसफर और लॉन्चिंग का काम दिया था। जिस प्लेटफॉर्म पर रॉकेट रहता है उसे मोबाइल लॉन्च पेडिस्टल कहते हैं और जहां रॉकेट को जोड़ा जाता है उसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। व्हीकल मतलब कि यहां पर व्हीकल से कोई सड़क पर चलने वाला वाहन नहीं बल्कि व्हीकल का मतलब है रॉकेट। यहां पर रॉकेट की 3 या 4 स्टेज को जोड़ा जाता है। सैटेलाइट या चंद्रयान जैसे उपग्रह अलग बिल्डिंग में रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगाए जाते हैं, फिर उसे ट्रक से लाकर रॉकेट के ऊपरी हिस्से पर VAB के अंदर लगा दिया जाता है। जब एक बार पूरा का पूरा रॉकेट सेट हो जाता है तब फिर इसके चारों तरफ मौजूद मोबाइल क्रेन्स को हटा लिया जाता है। मोबाइल लॉन्च पेडिस्टल धीरे धीरे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर बढ़ता है। लॉन्च पैड पर पहुंचने के बाद फिर इसके चारों तरफ मोबाइल क्रेन लग जाते हैं जिनसे रॉकेट सीधा खड़ा रहता है। साथ ही ईंधन भरने का काम भी किया जाता है। सारे पेलोड्स और तकनीकी चीजों की जांच की जाती है। रॉकेट के लॉन्च हो जाने के बाद मोबाइल लॉन्च पेडिस्टल वापस फिर VAB में चला जाता है। सैटेलाइट, रॉकेट और लॉन्च पैड पर मिशन कंट्रोल सेंटर से नजर रखी जाती है। चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से ही छोड़ा जाएगा। यहां से अभी तक 24 लॉन्च हो चुके हैं। ये लॉन्च पैड भारी सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के लिए बनाया गया है। इस पैड में ईंधन को स्टोर करने की क्षमता है। रॉकेट की रिपेयरिंग, सर्विसिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है। वैसे इसरो के पास पहला लॉन्च पैड भी है जो 1990 से एक्टिव है। इससे अभी तक 37 लॉन्च हो चुके हैं। इस पूरे इलाके को लॉन्च कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर 2 लॉन्च पैड हैं और तीसरा अभी फिलहाल बनाया जा रहा है जिसके जरिए छोटे रॉकेट्स की लॉन्चिंग की जाएगी, जैसे कि SSLV या निजी कंपनियों के कुछ छोटे रॉकेट्स। रॉकेट की लॉन्चिंग के वक्त लॉन्च पैड से 2 किलोमीटर दूर तक कोई इंसान नहीं रह सकता। सारी मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए की जाती है जो टावरों और खंभों और छिपे हुए कुछ स्थानों पर लगे होते हैं। लॉन्चिंग के समय रॉकेट तेज गर्मी, भारी मात्रा में धुआं और तेज आवाज करते हुए निकलता है, इसलिए लॉन्च पैड के आसपास जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस तरीके से की जाएगी, ये पूरा प्रोसेस रॉकेट को ट्रांसपोर्ट करने का आपको समझ में जरूर आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।